नमस्कार, नीतिगत कलाकृति में आज फिर एक और हेल्दी ऑप्शन। पहले हमने आपको रागी वर्मिसली बनानी सिखाई थी, आशा है आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करी होगी। तो आज हम बनाएंगे राइस वर्मिसली। जी हाँ, मेरे पास यहाँ पर कई तरह की वर्मिसली मिल गई हैं मुझे यूके में, और मैं इन्हें अब रेगुलरली बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। रागी वर्मिसली बनाना भी बहुत ही आसान है। ये मैंने इंस्टेंट राइस वर्मिसली ली है यहाँ पे, और रागी वर्मिसली को आपको याद होगा ठंडे पानी में बनाना था। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ही महीन राइस वर्मिसली है, और ये इसमें डालने के लिए मेरी सब्जियाँ और मेरी फेवरेट बेल पेपर्स, आप जानते हैं मुझे इनसे बहुत प्यार है। देखो कैसे फूफाड़े खड़ी हैं, इनको फटाफट से चॉप कर देते हैं। साथ में लेते हैं थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया, हरी शिमला मिर्च, और इन सबको ब्यूटीफुली चॉप करके यहाँ पर मैंने रख लिया है। और इनको हम राइस वर्मिसली में डालेंगे। गलती से ये वीडियो मेरा क्रिसमस वाला आ गया, जो मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में। ये राइस वर्मिसली को एक भगोने में मैंने डाल लिया है, और एक और पैन में मैंने पानी उबलने रख दिया है। करीब एक भगोने पानी उबालने रखा है। एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें मैंने ज़ीरा डाला है, आप राई भी डाल सकते हैं। राई तड़क जाए तो ये देखिए, ये मेरी वही शिमला मिर्च है जिनसे मैंने हेलोइन का वीडियो बनाया था। अब इन्हें काट पीट के मैंने इस प्लेट में सजा दिया है। बस तेल में जब ज़ीरा या राई तड़क जाए, इसके अंदर प्याज डालिए, बिल्कुल हल्का सा सोटे करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चे नूडल्स की बजाय ये खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप वेजिटेबल्स डालिए, वेजिटेबल्स का आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी वेजिटेबल इसमें डालिए, कैबेज डालिए, आप आलू डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, जुकिनी डाल सकते हैं, और इसमें हम सिर्फ नमक मिर्च डालेंगे। मैं हल्दी वल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। मुझे लगा राइस वर्मिसली है तो उसमें राइस का कलर दिखना चाहिए। पानी बॉयल हो गया है, अब इसको मैं जो हमने एक वर्मिसली भुगोने में ली थी उसके अंदर डाल देती हूँ, और राइस वर्मिसली को पानी में डाल के थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे, और ये इसी स्टीम में सॉफ्ट हो जाएगी। करीब 10 मिनट के बाद देखिए आपकी वर्मिसली बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, जैसे फलूदा होता है ना, ये बिल्कुल ऐसी लग रही है। इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। नहीं, मैंने इसको ठंडे पानी के अंदर नहीं धोया है, बस ऐसे ही पानी स्ट्रेन करके इसको पैन में डाल दिया। माफ़ कीजिए, एक हाथ में कैमरा होने की वजह से थोड़ी सी मुझे आज तकलीफ़ हो रही है वीडियो बनाने में। अब इसको हम टॉस करेंगे। अच्छे से इसको टॉस कीजिए, बहुत धीरे हाथ से, ध्यान रहे ये इसका कचूमर ना बन जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से टॉस करेंगे। ध्यान रखें लेमन जूस डालते हुए हमेशा गैस बंद करें। और बस आपकी राइस वर्मिसली तैयार है। इसको आप गार्निश कीजिए ताज़े धनिया की पत्ती से, अच्छे से सजाइए और सर्व कीजिए। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ आपके लिए। अरे हाँ, आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज भी नहीं थी फॉलो किया कि नहीं, इसका लिंक यहाँ पे दिया है, ज़रूर फॉलो करें और जुड़े रहें आपकी नीतिगत कलाकृति से। धन्यवाद।